मामला जिला गरियाबंद के थाना छुरा क्षेत्र का है, जहां 6 आरोपियों ने फर्जी नक्सली बनकर सरपंच से 5 लाख रुपए की उगाही करने वाले सभी 6 फर्जी नक्सलियों को जिला पुलिस गरियाबंद ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। थाना छुरा में प्रार्थी हेमू नागेश पिता विष्णु राम उम्र 30 साल निवासी खुड़िया डी थाना छुरा ने दिनांक 25/8/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22/23/8/2022 की दरमियानी रात्रि में 3-4 नकाबपोश हथियारबंद नक्सली इनके घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की मांग किए। की रिपोर्ट पर थाना छुरा में अपराध क्रमांक 107/2022 धारा 323 458 384 34 386 387 419 398 भादवी दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी छुरा ने जिले के आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जिला गरियाबंद के पुलिस कप्तान जे.आर. ठाकुर के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक व उप पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा सिन्हा के पर्यवेक्षण में स्पेशल टीम गठित कर प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पश्चात स्पेशल टीम साइबर सेल और थाना छुरा के टीम द्वारा सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया था। विश्वस्त मुखबिर द्वारा दिए गए सूचना में आधार पर संदेही प्रहलाद नायक, रोहित नायक, गेमेंद्र ध्रुव, ओम प्रकाश निषाद, गौतम चक्रधारी और पायल मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी 6 आरोपियों द्वारा अपना जुर्म कबूल कर घटना को अंजाम देने में उपयोग किए एयर गन तथा नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी छुरा, स्पेशल टीम प्रभारी, प्रभारी आरक्षक अंगद राव चुड़ामणि देवता, आरक्षक सुशील पाठक, रविन्द्र सिन्हा, हरीश साहू, यादराम ध्रुव, साथ ही थाना छुरा से सहायक उप निरीक्षक सुरेश निषाद, प्रभारी आरक्षक हीरा लाल चंद्राकर, तुलाराम उमेश शांडल्या, आरक्षक माधव साहू, दयानंद गौड़, राजेंद्र गायकवाड़, सूर्यकांत राय की सराहनीय भूमिका रही। गिरफ्तार आरोपी 101 प्रहलाद नायक पिता विजय नायक उम्र 40 साल निवासी पिपरहट्टा थाना छुरा, 102 रोहित नागेश पिता भादुराम उम्र 30 साल निवासी कुचंगा थाना शोभा, 103 गेमेंद्र ध्रुव पिता जागेश्वर राम उम्र 23 साल निवासी पोखरा थाना राजिम, 104 ओम प्रकाश उर्फ छोटू पिता हेमलाल निषाद उम्र 25 साल निवासी पोखरा थाना राजिम, 5 गौतम चक्रधारी पिता जनक राम उम्र 31 साल निवासी करेली थाना शोभा, पायल मानिकपुरी पिता कंचन दास उम्र 31 साल निवासी बिलाईगढ़ कैथा थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदा बाजार, वर्तमान पता सदु मोआ रायपुर। जब्त सामग्री 3 नग एयरगन, 70 नग छर्रा, 2 नग वॉकी टॉकी, 2 नग चार्जर, 6 नग नक्सली वर्दी, 4 नग मोबाइल फोन, 1 नग पेचकस, 2 नग बैग, 1 कार मारुति सुजुकी रिट्स मोटरसाइकिल, कुल कीमती करीबन 2,60,000 रुपए, मिर्च पाउडर, प्लास्टिक टेप, नक्सली पर्चा इत्यादि बरामद किया गया। रात्रि में उनके घर में अज्ञात वर्दीधारी लोग घुस गए थे, दरवाजा खटखटाकर और अपने आप को नक्सली बताकर दरवाजा खटखटाए और घर में घुसकर मारपीट किए और मेरे पिताजी जो कि सरपंच है गांव के उसको पूछे तो बताया गया कि वो घर में नहीं है तो उनके साथ मारपीट किया और ये बोला गया कि 5 लाख रुपए चाहिए, अगर 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे पिताजी जो सरपंच है उसको जान से मार दिया जाएगा ऐसा धमकी दे करके ये लोग चले गए। इसकी रिपोर्ट थाना छुरा में दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पता चला कि जब हमने इसका विश्लेषण किया तो पता चला सबसे पहले ये क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र नहीं है, नक्सली कैसे यहाँ आए। दूसरा और विवेचना में ये पता चला कि ये कार से गए हुए थे, तब हमको पूरा इस बात पुख्ता हो गया कि ये फर्जी लोग हैं जो कि उगाही के उद्देश्य से वहाँ गए थे। उस पर विवेचना हमने प्रारंभ किया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला और उसके आधार पर हम लोग 5 संदेहों को पूछताछ किया जिससे उसने अपना जुर्म कबूल किया और 5 में से 1 गौतम चक्रधारी जो कि अभी गरियाबंद में रहता है, ये पूर्व भी इसी तरह के प्रकरण में जेल जा चुका है और अभी बेल पे है। इसका दूसरा साथी प्रहलाद पिपरहट्टा का है
और दो लड़के पोखरा राजिम के आसपास के हैं और एक महिला इसमें शामिल है जो कि रायपुर के रहने वाले हैं।